कैनेडा दे विच SDS दे नवे कानून 10 अगस्त 2023 इस साल तो इंप्लीमेंट होने वाले ने। उहदे विच इक जिहड़ी मेन गल हो रही है वो आयल्स नूं लैके हो रही है कि आयल्स दे विच अगर तुहाडे 6 ओवरऑल स्कोर हैगा वा और एक सैक्शन या दो सैक्शन 5.5 बैंड भी हैगे ने स्टिल तुसीं SDS दे अंडर क्वालीफाई कर सकते हो। दूजी गल PT नूं लैके भी कुछ कन्फ्यूजन आ, PT नूं हुण SDS च ऐड कर लिया गया वा। अज दी डेट PT दे किदां दे रिजल्ट आ रहे ने, की थोनू स्पेशल एहजा करना चाहिए PT दे विच ताकि तुहानू PPR रिक्वेस्ट आने के चांसिस बन जाए। अज डिटेल डिस्कशन इन्हों दो टॉपिक्स नू लैके ही मैं तुहाडे नाल इस वीडियो च करूंगा। स्वागत तुहाडा सारिआं दा साडे MCAN इमीग्रेशन दे यूट्यूब चैनल दे उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ CICC कैनेडा दा। CICC वह बॉडी है जिहड़ी कैनेडा दे जिहड़े इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स ने, जिहड़े ओह कंसल्टेंट जिहड़े कैनेडा दी इमीग्रेशन नूं, जिहदे स्टडी वीज़ा भी आउंदा वा, विजिटर वीज़ा भी आउंदा वा, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट भी आउंदा, PR भी आउंदी आ, जिहड़े कंसल्टेंट्स इस फील्ड दे विच काम करदे ने, कैनेडा गवर्नमेंट तों लाइसेंस होणा उहनां दा जरूरी हुंदा वा, उहनां नूं रेगुलेट करदी है एजेंसी। असीं डायरेक्टली जिहड़ी फैडरल गवर्नमेंट आ कैनेडा दी उहदे नीचे काम करदे आ। बहुत सारी धोखाधड़ी अज डेट आप सुनते हैं, इंडिया चुं भी सुन रहे हैं, 700 स्टूडेंट की डिपोर्टेशन की गल भी सुनते हैं। तो खास ख्याल रखो, जब तुम अपना कंसल्टेंट हायर करते हो मेक श्योर करो वह CICC का मैंबर जरूर होवे और क्रेडेंशियल भी जरूर तुम्हें चैक करने चाहिए। एक छोटी जी रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करने तो पहले अगर साडा यूट्यूब का चैनल तुम हुण तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज सबसक्राइब करो। SDS के नवे कानून हुण इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, आप सारे जानते हैं 10 अगस्त 2023 तो इस साल तो पहला आइलट्स कला ही एक डेजिग्नेटेड टैसट हों अंडर SDS, हूँ 4 होर टैसट ऐड कर दिए गए हैं PTE, CAEL, KEL, CELPIP, इस तो अलावा TOEFL, IBT। हूँ आइलट्स के पिछले गल् चल रही ने, काफ़ी कॉल सू आदि ने कि जी बहुत सारे वीडियोज़ ने अज की डेट के यूट्यूब के उपर जिथे कहा जा रहा कि तुम्हें आइलट्स के 6 ओवरऑल बैंड की ही जरूरत आ। अगर तुहाडे एक सैक्शन 5.5 ने या दो सैक्शन 5.5 ने, ओवरऑल 6 बैंड ने, स्टिल तुहाडी फाइल SDS विच लग सकती है, की सच्चाई है इस गल दे विच? इह गल्लां बिल्कुल झूठ ने। जब भी कोई नवी अनाउंसमेंट हुंदी है, यह बहुत तुहानूं ख्याल रखने की जरूरत आ कि बहुत सारे अजिहे लोग जिहड़े सिर्फ पैसा बनाउणा चाहुंदे ने, साडी फील्ड च अजिहे बहुत लोग ने अज दी डेट दे विच जिथे ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा बनाउण दा वा, क्योंकि रीजन यह आ कि बहुत लोगों की अज जी झाक हैगी है, चाहे वह स्टूडेंट ने, चाहे तुम वर्क परमिट के बाहर जाना चाहते हो, विजिटर के तौर पर बाहर जाना चाहते हो, माँ बाप बाहर जाना चाहते हैं, भुलेखा पा पा के तुहाडे कोल पैसे बनाउण दा जिहड़ा कारोबार आ वह अज दी डेट दे विच उच्च अगे नालों हर साल बढ़ोतरी होंदी जा रही है। तुहानू बहुत खास ख्याल रखने की लोड़ आ, ये सारी इनफॉर्मेशन गलत आ। आइलट्स के विच तुहानू 6 बैंड ई सैक्शन के विच ही चाहिए ने, यह कोई कानून सामने नहीं आया जिथे 6 तुहानू ओवरऑल चाहिए ने और दो सैक्शन के अगर तुहाडे 5.5 ने, 1.5 ने, तुहानू SDS मान लिया जाऊगा, इदां दी कोई गल नहीं। PT नूं लैके जरूर हैगा वा कि 60 तुहानू ओवरऑल चाहिए ने, इंडिविजुअल सैक्शन वाइज किन्ने किन्ने नंबर चाहिए ने उहदी क्लैरिफिकेशन हले नहीं आई, आने वाले टाइम के जरूर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाऊगी। सो खास ख्याल रखो आइलट्स नूं लैके जिहड़ियां गल्लां हो रही ने वीडियो के उपर कि तुहाडे 6 सीट चाहिए ने, अगर 5.5 भी होने एक या दो सैक्शन तुसीं SDS अंडर क्वालीफाई करोगे, ये बिल्कुल गलत खबर आ, तुहानू 6 ईच ही चाहिए ने SDS क्वालीफाई करन। दूसरी गल PT नूं लैके, हुण PT नूं लैके बड़े भुलेखे पाए जाते हैं कि बड़े चंगे रिजल्ट आ रहे PT दे जी, बिल्कुल झूठियां गल्लां ने। 10-20% रिजल्ट ही आते हैं नॉन SDS दे विच कैनेडा दे लगातार, ये बड़े भुलेखे ने। हुण जी PT दे विच अगर तुसीं सक्सैस लैनी आ, स्टूडेंट साढ़े को आते हैं सानू कहा गया जी तुसीं स्पैशल 4 डॉक्यूमेंट पाओ जी, इस करके तुहाडी सक्सैस मिल जाऊगी। मैं तुहानू साफ गल दस दवां, इदां दी कोई गल नहीं हैगी। की हुंदा की है रियलिटी दे विच, इन्हां PT दे विच वीज़ा मिलते हैं, किदां मिलते हैं? ऑफिसर की असैसमेंट आ, ऑफिसर की असैसमेंट किसी तरीके की भी हो सकती है। मेरे को यह जे साढ़े को 100 ही केस ने जिथे अगर मैं ऑफिसर हुंदा तो शायद कदे भी वीज़ा ना दिंदा उस फाइल नूं। मैं आप दी गल कर रहा जिहड़े साढ़े अपलाई किए हुए केस ने जिथे बच्चे का जरा पास परसेंटेज सी बहुत घट सी, जिहदे नाल वह कैनेडा दे विच पढ़ ही नहीं सकता, पर वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा ग्रांट कर दिता। होर भी कुछ चीज़ों मिसिंग होंदिया ने स्टूडेंट दी, स्टूडेंट को होंगे ही नहीं, फंड कई बार तुहाडे को नहीं अवेलेबल होंगे तो भी वीज़ा ग्रांट हो जाता वा। बट हाँ, जे तुहाडी पास परसेंटेज चंगी आ, तुहाडा केस SDS फॉल करता वा, तुहाडे कोल एडिशनल फंड है दिखाउण नूं, जरूर दिखाओ, ये ना करो कि बिल्कुल ना दिखाओ, उहदे नाल तुहाडी फाइल हमेशा ही स्ट्रोंग होंदी आ। बट ये भुलेखा पाउणा कि PT लई खास तौर पर तुसीं इह 4 डॉक्यूमेंट जरूर लगाओ जी, इहदे तुहाडी स्टेटमेंट ऑफ परपज कोई स्पैशल होनी चाहिए आ, फंड तुहानू कोई स्पैशल होने चाहिए ने, ज़्यादा फंड होने चाहिए ने, ये गल्लां बिल्कुल झूठियां ने, इदां दी कोई गल नहीं हैगी।
ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਵਰਆਲ ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10-20% ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ PT ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣ, 1.5 ਹੋਣ, 2.5 ਹੋਣ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ 10 August 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ PT ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, PTR ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ 10 August ਔਨਵਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ SDS 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। January 2024 ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ January 2024 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਾਈਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।